हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि क्लासेस। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1। सो लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज डिटरमाइन व्हिच पेयर्स आर कोटर्मिनल। सो हियर वी हैव टू चेक वेदर द गिवन पेयर इज कोटर्मिनल और नॉट। नाउ एज वी ऑल नो, वन पेयर इज कॉल्ड एज कोटर्मिनल इफ देयर डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। सो लेट अस चेक वन बाय वन। सो यहां पर हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, वी हैव टू सी दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द ग्रेटर नंबर। द फर्स्ट पेयर में आप देख सकते हैं 210 इज ग्रेटर, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस -150 डिग्री फ्रॉम 210। सो इट बिकम्स हाउ मच, 210 प्लस 150, so that is 360. So this is obviously multiple of 360, and therefore these angles are coterminal angles. Similarly, we'll check this third question. So we have already solved first, we are checking now third question. यहां पर ग्रेटर एंगल कौन सा है, 540 डिग्री। सो ग्रेटर एंगल दैट इज 540 डिग्री माइनस स्मॉलर एंगल दैट इज -180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहां पर, 540 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 180, सो इट बिकम्स 720 डिग्री। Now this 720 degrees can be written as 2 into 360 degrees. So obviously again it is a multiple of 360 degree, and therefore given angles are coterminal. So in this way we can check coterminal angles. So in first question you can say that the difference comes out to be 360 degree, which is nothing but 1 into 360 degree, that is multiple of 360 degree. In third question you can see that the difference comes out to be 720 degree, that is 2 into 360 degree, so that is again multiple of 360 degree. So these types are coterminal angles. Now let us see question fifth. In fifth question check karte hai. So here greater angle is 860 degree, so greater angle 860 degree माइनस स्मॉलर एंगल दैट इज 580 डिग्री। सो कितना हो जाता है इनका सब्ट्रैक्शन, 280 डिग्री। नाउ दिस 280 डिग्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, एंड देयरफॉर दीज एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, सो नाउ दीज थ्री क्वेश्चन विल सॉल्व इन होमवर्क। हमने यहां पर तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप ये तीन क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1B, दैट इज ड्रॉ द एंगल्स एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। सो हियर वी हैव टू ड्रॉ दीज एंगल्स एंड वी हैव टू डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो यहां पर मैंने क्वाड्रेंट्स सिस्टम ऑलरेडी निकाल रखा है, क्वाड्रेंट सिस्टम। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो लेट अस सी क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज -140 डिग्री। अब -140 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सो सिंस हियर यू हैव टू चेक टू थिंग्स, दैट इज वेदर द डायरेक्शन इज पॉजिटिव और निगेटिव, एंड सेकेंड थिंग इज मैग्नीट्यूड। अब जैसे यहां पर -140 डिग्री है, तो -140 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, माइनस है ऑब्वियसली, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, सो विल गो इन नेगेटिव डायरेक्शन, यहां से हम जा सकते हैं, सो दिस इज 90 डिग्री। -140 डिग्री हमें लेना है, सो यहां तक हमने 90 डिग्री कवर किया, आगे और हम जाएंगे 50 डिग्री एंड देन इट विल बिकम -140 डिग्री। सो यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज -140 डिग्री। Let us see question fourth. It is 750 degree.
ना कल हमने टेबल्स लिखे थे, 90 का टेबल एक लिखा हुआ था, 180 का भी लिखा हुआ था, 360 का भी लिखा हुआ था, तो उसका यूज हम यहां पर कर सकते हैं दिस 750 डिग्री. नाउ सिंस दिस इज अ पॉजिटिव एंगल्स, वी विल बी मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो 750 डिग्री के लिए हम इस टाइप में चेक कर सकते हैं, दिस 750 डिग्री कैन बी रिटर्न एज 720 प्लस 30. ओके, सो नाउ 720 मीन्स इट इज 2 इंटू 360 प्लस 30. सो इट मीन वी हैव टू कंप्लीट टू रोटेशंस एंड देन वी हैव टू गो प्लस 30 डिग्री. तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज वन कंप्लीट रोटेशन, सो इट बिकम्स 360 डिग्री. हम और आगे और बढ़ते हैं, सो दीज आर टू कंप्लीट रोटेशन विच इज 720 डिग्री एंड देन वी आर मूविंग अप टू 30 डिग्री. सो दिस इज 750 डिग्री. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 विच इज -80 डिग्री. सो नेगेटिव डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में जाने वाले, नेगेटिव डायरेक्शन में एंड -80 डिग्री. सो यहां पे आ जाएगा आपका -80 डिग्री एंड एट लास्ट वी सी दिस क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज -820 डिग्री. सो अब 820 डिग्री कैसे लेंगे? एक तो डायरेक्शन हमें मालूम है, इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. नाउ हाउ विल राइट डाउन दिस 820? तो अगर हम 820 लिखते हैं, सो दिस 820 कैन बी रिटर्न एज 90 इंटू 9 प्लस 10. ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा. सो दिस इज 810 एंड प्लस 10, सो इट बिकम्स 820. सो वी हैव टू प्रोवाइड 9 रोटेशंस ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, एंड दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. तुमने यहाँ पे -820 लेना है. सो यहां पर दिखे आप ये फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट 1 into 90, 2 into 90, 3 into 90, 4 into 90, 5 into 90, 6 into 90, 7 into 90, 8 into 90, एंड हियर विल कम अप टू 9 into 90. ठीक है, तो 9 into 90 आपका यहां पर आ जाएगा एंड अगेन विल मूव प्लस 10 डिग्री अहेड. हमको 10 डिग्री आगे भी जाना है. सो दिस विल बिकम एंगल -820 डिग्रीज. तो अब हमें इसके क्वाड्रेंट्स भी डिटरमाइन करने हैं. सो यहां पर जैसे देख सकते हैं -140 डिग्री, सो इट कम्स इन विच क्वाड्रेंट? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं. सो इट इज 750 डिग्री, सो इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. जो -80 डिग्री है इट इज इन विच क्वाड्रेंट? इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड दिस -820 डिग्री इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन योर होमवर्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस. अब हमें यहां पर कुछ एंगल्स डिग्रीज में दिए हुए हैं और हमें इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में. सो व्हाट इज द रूल? जैसा कि हम सब जानते हैं कि इफ वी हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन. हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं यहां पर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? इट इज 85 डिग्री. अब हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से. तो यहां पर हो जाएगा 85 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180. ठीक है, अब यहां पर कटिंग हो सकता है, हम 5 से कट कर सकते हैं. तो अगर हम 5 से कट करते हैं तो कितना होता है देखिए, 5 3 15, रिमाइंडर इज 3, सो इट बिकम्स 30. सो 5 6 30. इधर अगर हम 5 से कट करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 17. सो दिस इज 17 पाई
अपॉन 36 रेडियंस। ठीक है, तो यहां पर 85 डिग्री था, हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन थर्ड, इट इज हाउ मच, माइनस 132 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देना है, जब आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करते हैं या फिर अगर आगे हम रेडियन टू डिग्री भी कन्वर्ट करेंगे, सो साइन रिमेन्स द सेम, साइन एज इट इज रहेगा। अब रहा 132 डिग्री एंड इट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। अब यहां पर हम कटिंग करेंगे तो 15 12 180 होता है, ठीक है, सो 12 इंटू 15 इज 180, हमने सीधा 12 से कट किया है, एंड 12 इंटू 11 इज 132, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस 11 पाई अपॉन 15 रेडियंस। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन फिफ्थ, सो क्वेश्चन फिफ्थ इज 75 डिग्री 30 मिनट्स। नाउ बिफोर कन्वर्टिंग दिस इंटू रेडियंस वी हैव टू गेट कंप्लीट डिग्रीज, जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं इट इज इन डिग्री एज वेल एज इन मिनट्स, ठीक है, तो हमें इसको कंप्लीट डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। सो दिस 75 डिग्री 30 मिनट्स कैन बी रिटन एज 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, सो इट इज इक्वल टू हाउ मच, 75 डिग्री प्लस, अब यहां पर जो 30 मिनट्स है हमें कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, सो एज वी ऑल नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 30 मिनट्स कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स इज नथिंग बट 30 डिवाइडेड बाय 60 एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा आपका 0 0 कट हो जाएगा, 3 टू द 6 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 बाय 2 डिग्री, सो दिस इज 75 एंड हाफ डिग्री। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी, नाउ दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, विल कन्वर्ट इनटू ए प्योर फ्रैक्शन, 2 इंटू 75 150 प्लस 1 दैट इज 151 अपॉन 2 डिग्री। ठीक, सो नाउ दिस इज इन डिग्री एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस। अब रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 से, तो आंसर हमारा हो जाएगा 151 पाई अपॉन 360 रेडियंस। यहां पर कोई कटिंग नहीं होता है, सो इट रिमेन्स एज 151 पाई अपॉन 360 रेडियंस। अब जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है आप होमवर्क में करेंगे।